तो आइए रीजनिंग का सेट नंबर टू स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर वन आपको सेंड किए हुए हैं। तो इसमें आपको पहले देख लीजिए एनटीपीसी का है 2016 का, और भी इसमें सेट है। उसके बाद टेक्नीशियन वाला भी है 2018 का, उसके बाद इसमें ग्रुप डी का भी है 2018 का, टोटल इसमें जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक से, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, कल 23 तक भेजे थे, एकदम शुरू से यहाँ स्टार्ट है। लिखा हुआ एक परिवार में एक सौर वाई बहन है, तो इस तरह का क्वेश्चन जनरेशन वाइज लिखते थे। मेल फीमेल डिनोट करना जरूरी है, दोनों ही सिस्टर। एक्स का पुत्र बी है, नहीं यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ छूट गया है। ए की माँ वाई है, वाई माँ है किसका, ए का। अब ए उसका पुत्र है कि पुत्री है नहीं जानते, जानते थे यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस या माइनस लिखते हैं। ए का पुत्र सी है, ये पुत्र है इसलिए यहाँ प्लस लिखते रहे। ऊपर नीचे लिखिएगा जनरेशन वाइज, ऊपर नीचे लिखिएगा, जैसे इसका ये माता या पिता, इसका ये माँ, जनरेशन वाइज माँ पिता ये सबको ऊपर रखिएगा, दादा को और ऊपर रखिएगा, अपोजिट वाले को नीचे रखिएगा। एक्स का पुत्र बी है, तो बोला गया कि कौन सा कथन सही है। ये दोनों सिस्टर है, इसका ये पुत्र या पुत्री है, इसका ये पुत्र है, तो ये दोनों कौन हो गया, ये दोनों कजन हो गया। तो आइए, बोला गया है बी व ए चचेरे भाई है, तो ये तो भाई है, लेकिन ये भाई है कि बहन है कहाँ पता है, इसलिए 100% कन्फर्म नहीं। एक्स व वाई का पुत्र ए है, तो दोनों का पुत्र ए, थोड़े ए तो मेल है कि फीमेल है अभी क्लियर है नहीं। बी का पिता एक्स है, नहीं इसका ही पुत्र है लेकिन इसका ही माँ इसलिए कि फीमेल है, तो तीन को गलत हो गया, तो चौथा सही हो जाएगा। सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स है, हो सकता है, तो इसका ही माँ या पिता है, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इसका ही फादर है, इसके पिता की माँ कौन हो गई, दादी, और दादी की बहन कौन, दादी। तो सी या तो दादी या तो नानी भी हो सकती है, तो नानी दादी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। अब सशक्त लोग और लंबा इसमें तो है नहीं, तो इसको अलग बनाना पड़ेगा। ये हो गया सशक्त लोग, और सभी सशक्त लोग लंबा है। अगला बात, अजीत सशक्त, अजीत सशक्त है, तो अजीत इसी में ना शामिल होगा, अजीत आपको शामिल हो जाएगा इसमें, यहाँ पर अजीत। तो अब पढ़ करके देखा जाए, तो अजीत एक खिलाड़ी है, अब अजीत इसमें शामिल है कि नहीं है तो क्लियर नहीं है। अजीत लंबा है, यह निश्चित रूप से सही है,
अजीत क्या चीज है? लंबा है, चूंकि लंबा के अंतर्गत ही अजीत है। दूसरा आपका सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आया जाए। दिए गए कथन पर विचार कर निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन निहित है। कोच ने कहा, कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय 9 बजे रिपोर्ट करेगी। यह कहने से पता चलता है कि पहले 8 बजे होता होगा, यह 8 बजे करना था, लेकिन कुछ कारणवश अब टाइमिंग बदल के कर दिया गया कि कोई बैच हमारा रेगुलर 7 बजे चलता है, और हम बैच में कहें कल 7 बजे मत आइएगा, कल 9 बजे आइएगा, कल आप लोग 9 बजे आइए, न कहने का मतलब उस 7 बजे आता, और कहने का मतलब कोई कारणवश कल 9 बजे बुला रहे। तो बोला गया कि उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम था, तो कोच को 8 बजे कुछ अन्य काम था, कोई दूसरा कारण टाइमिंग चेंज हुआ, वो कारण निश्चित रूप से पता नहीं। अगला, वो आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, वो आमतौर पर 8 बजे अभ्यास के लिए आते हैं, तो दूसरा आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आया जाए। मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, तो शुरू का डायरेक्शन नहीं दिया गया, अंतिम का दिया हुआ है, तो दो तरह से, या तो उल्टा बना दीजिए, पहले हुआ दक्षिण की ओर चलता है तो आप चलिए किधर, उत्तर की ओर, उसके बाद हुआ किधर मुड़ा था, बाएं मुड़ा था, यहाँ यहाँ बाएं मुड़ा था तो आप दाएं मुड़ जाइए, दाएं मुड़ जाइएगा तो इधर, तब चलिए उल्टा, अब इधर से ही आ रहा था, अब फिर उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट मुड़ा है, यहाँ पर किधर मुड़ा है, लेफ्ट, तो क्वेश्चन बोला है कि बाई ओर मुड़ने से पहले कौन दिशा में चल रहा था, बाई ओर इधर आया था, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, वेस्ट, आंसर हो गया पश्चिम। फिर से एक बार देखिए, दूसरा मेथड देखिए, पहले आप कोई एक डायरेक्शन में चला लीजिए, कोई एक डायरेक्शन में चला लीजिए, मान लीजिए कि वो इधर से आ रहा था और फिर लेफ्ट मुड़ता है तो लेफ्ट हो गया इधर। अब क्वेश्चन बोला है कि लास्ट में वो चल रहा था साउथ की ओर, यह आपका साउथ है क्वेश्चन के अनुसार, तो ये जब साउथ होगा तो साउथ के बाद अगला डायरेक्शन होता है वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद, तो क्वेश्चन पूछा कि बाएं मुड़ने से पहले कौन दिशा में चल रहा था, तो देखिए यहां पर चल रहा था, ये आपको कौन डायरेक्शन हो गया, वेस्ट, तो आंसर हो गया वेस्ट। जब शुरू का डायरेक्शन नहीं दिया जाए तो जैसे मैं हो वैसे बना लीजिए, और बाद में डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, इसको जब साउथ कहा गया तो साउथ के बाद होता है वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो याद रख लीजिएगा क्लॉक में, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, याद रख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। बोला गया कि नीचे दिए गए कथन का अनुसरण 2 तर्कों द्वारा किया गया है, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। तो एक कथन दिया गया है और 2 तर्क आर्गुमेंट्स दिया गया है, आर्गुमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यह आपको पूछा गया। लिखा हुआ है, मोबाइल का उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है, मोबाइल का यूज हुआ है, मोबाइल का यूज बढ़ रहा है और सेल फोन टावर भी बढ़ रहा है, तो बात देखिए मोबाइल का यूज होगा
तो टावर बढ़ाना ही होगा, मोबाइल का यूज बढ़ेगा तो। तो बोला गया है कि यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज और आसान तरीके को प्रदर्शित करता है। ये तो सही ही है, मोबाइल फोन या सेल फोन टावर का यही यूज ही है। दूसरा में बोला गया है, लंबी अवधि में यानी आने वाले समय में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा। यहाँ तक ठीक है, जो पर्यावरण प्रणाली की सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेगा। तो अब इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का यूज बढ़ा है इसके बारे में कह रहा है, तो यह कथन से अभी रिलेटेड नहीं है। यह लंबी अवधि में क्या होगा उसके बारे में कोई कथन में जानकारी अभी नहीं दिया गया, तो सिर्फ पहला सही है। अगला विवरण है या कहिए कथन है, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चिकती है, दिया हुआ है। अब इसके आधार पर कौन सही? पहला, सभी माताएं पागल होती है, ऐसे भी निष्कर्ष में सिलोजिज्म छोड़ करके बाकी जिसमें सभी आता है, जिससे सभी का बोध हो कोई एक का बोध हो वो गलत होता है। दूसरा, बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ये तो उल्टा बात है तो और भी गलत है, तो दोनों के दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे, बोला गया है 8, 27, 125 इसमें कौन अलग है? तो 50 अलग है, चूंकि यह क्यूब है क्यूब है क्यूब है क्यूब है, 7 का क्यूब होता है। चलिए अगला रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, टोटल 26 है, सबसे छोटा में 8वां है तो लंबा में, मतलब एक तरफ से दिया है दूसरे तरफ से निकालना है, तो उसका मेथड क्या था? तो टोटल में से पहला तरफ का घटाते हैं और एक और जोड़ते हैं, तो आंसर हो गया 18 और 19। बोला गया है कि अगली संख्या बताइए, तो जब भी जनरल सीरीज तरह को तो पहला काम है घटाना, एक बार घटाने से ना मिले दोबारा घटाइए, वह अक्सर अब जब ऐसे नहीं मिलेगा तभी कोई दूसरे तरह से पहले घटाइए। तो बोलिए कितना बढ़ा, सही हो गया 3, 2, 1, 123 बढ़ा, ये कितना बढ़ा? तो 9 में से 2 घटाइए, सॉरी उल्टा बोल दिए, 12 में से 9 घटाइए 3, फिर यहाँ 2, यह भी 123 से बढ़ा है, तो लग रहा है सब 123 ही बढ़ा होगा, ये हो गया आपको 3, 2, 1, तो सब 123 बढ़ा, 123 इसमें ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, 123 घटा, तो आंसर हो गया 0, 5, 1, 150। लिखा हुआ है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू परिवार में है, पी वार एक विवाहित जोड़ा है, अब कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है कौन मेल है कौन फीमेल है अभी पता नहीं। पी की लड़की एस, यहां माइनस का साइन दे देते हैं, आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू की माँ आर नहीं है, इसका ही पुत्र है लेकिन इसका ही माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो कौन है? पिता है। तो पता चल गया ये आपको मेल पर्सन है आर, और पी आपको फीमेल पर्सन, आर का भाई टी है।
अगला, यू एस का भाई है। यू किसका भाई है? एस का भाई। तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? तो पुरुष देख लीजिए कौन कौन हो गया। पुरुष हो गया एक, दो, तीन, चार। आंसर हो गया। चलिए अगला बात, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, ई और ए बी की बेटियां, दोनों ही फीमेल है, ए का विवाह भी से हुआ है, तो ये आपको पुरुष हो गया। ये पहले से ही फीमेल है तो ये आपको मेल हो गया। तो भी का ई से क्या संबंध है? तो इसका ई कौन है? बहन है। इसके बहन का यह कौन है? पति है। तो बहन का पति कौन होता है? जी। चलिए बोला गया, समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है? तो यहाँ पर ये सारा आकृति किसमें है? तो बेहतर है नंबरिंग कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। तो एक दो पहले खोज लेते हैं। इसमें एक दो है, इसमें एक दो है, इसमें एक नंबर है, दो नंबर आपको नहीं दिख रहा है, इसमें भी क्लियर नहीं है। चलिए अब इसमें आपको सर्किल देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीन नंबर है। अब तीन गो त्रिभुज है, तो इसमें एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज लंबा सा है, ऐसा त्रिभुज है? नहीं है। आई एगो एक्स्ट्रा बच गया है, इसमें देखिए एक त्रिभुज हो गया, उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज हो गया, और ये आपका तीसरा त्रिभुज हो गया। ये पूरा पूरा जो है फिट बैठा है, अब कहीं कोई जगह नहीं बचा है। तो आंसर हो गया कौन? नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 36। निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है। लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है। तो आइए, पिता का छोटा भाई कौन? चाचा। तो आंसर हो गया चाचा। तो बोला गया है कि निखिल का लड़के से क्या संबंध है? हाँ, तो क्या इसमें पूछा गया था? थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस हो गया था। लिखा हुआ है, निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है। लड़का निखिल की पहचान अपने पिता के छोटे भाई के रूप में कराता है। तो उनके पिता का छोटा भाई क्या हो गया? पिता का छोटा भाई का मतलब हो गया चाचा। ये तो हो गया था ना, आंसर हो गया चाचा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, मैथमेटिकल पजल टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा साइन का यूज करिएगा? तो यहाँ 26 आ जाएगा। तो पहले एक पूरा पूरा कटने वाला नंबर देखिए, 34 16 से नहीं कटेगा, 16 4 से कटेगा, 4 12 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा है। तो यहाँ तो निश्चित रूप से डिवाइड होना ही चाहिए, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें। अब आइए, यहाँ सब प्लस ही है, सब प्लस जोड़ेगा तो 34 में 26 कहाँ से आएगा? कुछ तो घटाना पड़ेगा। तो आंसर हो गया।
जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी किसके लिए है? चित्रा के लिए। तो कोई लड़की का पुत्री का पिता, उसके पुत्री का पिता कौन? उसका हस्बैंड। यहाँ तक हो गया एक पार्ट, यही पार्ट है जोशी के लिए। इसका मतलब हो गया तुम्हारा पति। अभी पढ़िए, मेरे भाई का पुत्र है। उसके भाई का पुत्र कौन हो गया? उसका भतीजा। तो बोला गया कि तुम्हारा हस्बैंड जो है मेरा भतीजा लगता है। इसका मतलब वो कौन है? ससुर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है। तो जोशी का भाई हो गया दादा, और चित्रा की पुत्री कौन हो जाएगी? पोती। पोत्री तो है नहीं, तो आंसर क्या हो गया? दादा। आइए अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। तो बोला गया है कि कोई भी कॉलेज जिसमें सभी का बोध हो, कोई एक का बोध हो, तो कोई भी कॉलेज आने की क्षमता नहीं रख सकता। इसे सभी का बोध होता ही तो ऐसे ही गलत है। बोला गया है कि गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। रियल में तो सत्य है, लेकिन स्टेटमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एक राय मशवरा है, सलाह है, इसको इस सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए यह गलत। तो दोनों का दोनों गलत। लिखा हुआ है 26 छात्रों की कक्षा में 14 के पास बिल्ली है, 10 के पास कुत्ता है, 5 के पास तोता है, 4 के पास बिल्ली और कुत्ता है, 1 के पास कुत्ता और तोता है, 3 के पास तोता और बिल्ली है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास तीनों है। तो कहते कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? तो जब 3 से रिलेटेड होता है तो उसका टोटल निकालने का मेथड जानते हैं? वो होता है पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा माइनस। जो कोई दो में कॉमन होता है उसको घटाया जाता है, जो दो दो में कॉमन, और जो तीनों में कॉमन है उसको जोड़ा जाता है। इससे निकलता है टोटल। आई टोटल रखने वाले कि ना रखने वाले? ये हो गया टोटल रखने वाले। तो आइए टोटल हम निकालते हैं। तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा 14, 10 और 5। माइनस, अब आ जाइए दो दो में कॉमन है 4, 1, 3। 14, 10, 24, अब 5 हो गया कितना? 29। 29 में से 8 घटा दीजिए 21। तो 21 वो निकल गया टोटल। आई टोटल निकला क्या चीज़? रखने वाले। तो टोटल के गो है 26 गो। 26 गो में यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए फिर से एक बार लिख रहे हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। और प्लस में फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, ये सब दो दो में कॉमन है, और तीनों में कॉमन वाला को जोड़ते हैं तो तीनों में कॉमन का संख्या 0 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास तीनों है। तो ये हो गया आपको 21। तो ये 21 निकला टोटल। आई टोटल निकला रखने वाले। तो न रखने वाले कितना? तो 26 में 21 आदमी ऐसा है जो रखता है। तो नहीं रखता है कितना? चलिए, तो एक सेट समाप्त हो गया। अब आ जाइए ALP पर। तो y x का भाई है, y z का बेटा है, y z का बेटा है, तो z और ऊपर लिखा जाए। अब बोला गया है कि z के पिता
जेड के पिता एक्स का क्या है, जेड का पिता एक्स का क्या है। तो आइए, इसका ई कौन है, इसका ई फादर है तो इसका भी फादर है, और इसका फादर क्या हो जाएगा, दादाजी। तो आंसर हो गया क्या जी, दादा। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर। 9 को फिगर दिया है, तीन तीन फिगर का इसमें ग्रुप लगाना। तो पहले एक नज़र में देखिए कौन तीन को एकदम सिमिलर दिखता है, तो ये देखिए, ये तो देखते पता ही, सब सर्किल से रिलेटेड है, इसमें सर्किल से रिलेटेड है। तो 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 हो गया गलत। और देखिए तीन को कौन एक जैसा है, तो ये देखिए सब त्रिभुज है, 2 6 8, तो 2 6 8, 2 6 8 नहीं है, 2 6 8 नहीं है, तो आंसर हो गया। उस सही समूह का चयन करें जो वेन आरेख को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन से आइए, मांस खाने वाले जानवर, बाघ, गाय। तो ये मान लीजिए मांस खाने वाले, उसके अंतर्गत बाघ आएगा कि नहीं, आएगा, और गाय ये लोगों से अलग हो जाएगा। तो पहले के आंसर हो गए, हल्का था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसमें कौन भिन्न है, ऑड है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, पिछले सेट में भी आया था, तो सबसे पहले नंबरिंग, 13 से 14 एक बढ़ा, 14 से 15 एक बढ़ा, और 15 से 12 तीन घट गए। चलिए यहाँ एक से वाई एक बढ़ा, वाई से जेड एक बढ़ा, और जेड से डब्लू तीन घट गया, एक बढ़ा तीन घट गया। यहाँ आइए, 16 से 15 एक घटा, 15 से 14 एक घटा, एक घट। तो यह सीरियल में है, या ऐसे भी देखिए सब एक बढ़ा तीन घटा, वो अलग है, आंसर हो गया। चलिए बोला गया है कि कौन समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें तो एक दिखाई दे रहा है कि दो गो फिगर आपको आइडेंटिकल है, और तो वैसा कुछ अलग में दिख नहीं रहा है, तो अब इसी पर छाटा जाए। ये दोनों आइडेंटिकल, जो सेम फिगर है, अलग अलग है, अलग अलग है, दोनों आइडेंटिकल सेम जगह है, तो आंसर डी नंबर। और वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, बाकी सब फिगर तो अलग अलग है, ट्रायंगल है, क्रॉस कहिए चाहे एक्स कहिए, ये सब तो फिगर में काउंट होता है, ये सब फिगर में काउंट होता है। यहाँ पर सी जो है लेटर नहीं माना जाता है, फिगर माना जाता है। ये मत सोचिएगा कि लेटर है, ये फिगर है, सब क्वेश्चन फिगर वाला है तो सब फिगर में काउंट होता है, तो आंसर हो गया डी नंबर, हमारे अनुसार डी नंबर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आया जाए, बोला गया है कि पहले 10 और अंतिम 10 अक्षरों को आपस में बदल जाए, तो 10 को गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 10 अंतिम 10 बदलना है, कैसे बदलना है, तो पहला अक्षर अंतिम अक्षर से दूसरा अंतिम से पहला से, तो ऐसे बदलना है, पहला अंतिम से दूसरा सेकंड लास्ट से, इस तरह से सब एक दूसरे को बदल देना। बदलने के बाद दाईं ओर से, राइट से पांचवा अक्षर कौन होगा, तो 1 2
तीन चार पाँच, यहाँ पर ये हो गया फिफ्थ। तो नहीं बदला जाएगा तो फिफ्थ पर कौन आएगा? टू। अब बदल दिया जाएगा तो ये देखिए टू किससे बदल रहा है, तो ये बदल रहा है राइट वाला पहला से, इधर से पाँच गिन लीजिए, दो तीन चार पाँच, ये बदलेगा किससे? टू से। तो आंसर हो गया। फिर आर्गुमेंट्स वाला क्वेश्चन आ गया, वर्तमान तर्क है, वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया। कोई चीज़ का नीलामी होता था 2G का, तो बेस मूल्य मतलब उसका जो शुरुआती मूल्य होता है उसी को सरकार कम कर दिया है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का हमको नीलामी करना है, मान लीजिए वो पेन ही है, इसका नीलामी करना है, तो हम इसका बेस मूल्य रख दिए 10, यानी 10 से कम इसका बोली नहीं लगेगा। अब जो 10 से सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसका हो जाएगा। तो बोला गया है कि उसका जो बेस मूल्य है उसी को कम कर दिया था। बोला गया कि अगली बार कीमत और कम होगी, थी क्या पता बढ़ेगा कि घटेगा। पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। अब कम क्यों किया गया इसका कोई स्पष्ट रीजन नहीं था। अब ग्राहक कम था या नीलामी अच्छा नहीं था पता नहीं था, अस्पष्ट रीजन पता नहीं है, इसलिए कोई एक बात का अनुमान लगाना गलत है। चलिए, केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बन जाता है। केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त, मतलब जैक क्या है? तो जैक मतलब काम करने वाला, या तो मजदूर होगा या तो कोई आदमी होगा। जो काम करने वाला कोई, या तो ये आदमी का नाम है या तो काम करने वाला कोई मजदूर के बारे में कहा जा रहा है। तो बोला गया है कि काम करना महत्वपूर्ण है, केवल काम करने कोई मनोरंजन न करने से सुस्त बन जाता है। केवल काम करना महत्वपूर्ण है, हमें खेलने के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। तो जो यह स्टेटमेंट कह रहा है उसके अनुसार जो है ये तो समर्थन कर रहा है, कह रहा है केवल काम करने से मनोरंजन न करने से जैक सुस्त बन जाता है। मतलब मजदूर से केवल कामें करवाइए दिन भर, और उसको जो है कोई काम कोई मनोरंजन का, या मान लीजिए आदमी आप दिन भर काम करिए या कोई इंटरटेनमेंट नहीं करिए तो आप क्या हो जाइएगा? स्लो हो जाइएगा। तो कहता है कि हमें खेलने के लिए या मनोरंजन के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, तो यह सही है, इसको सपोर्ट कर रहा है। काम करना महत्वपूर्ण है, ये तो मतलब एक साधारण सी बात हो गई, यही तो हर कोई जानता है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है काम का रिलेशन जोड़ा गया है किससे? मनोरंजन से। तो इसमें काम मनोरंजन का रिलेशन नहीं ना कुछ दर्शा रहा है, इसमें दर्शा रहा है खेल, मतलब एक तरह से मनोरंजन कहिए। तो यहाँ पर खेल और काम के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल रहा है। चलिए, जैसे इससे यह हुआ, इससे आगे कौन होगा? इसमें क्या किया गया है, पहला अंतिम को सेम रखा गया है, तो हम भी पहला अंतिम को सेम रख दें। उसके बाद क्या किया गया है, तो उसके बाद सेकंड लेटर को यहाँ पर रख दिया गया है, सेकंड लास्ट बना दिया गया है, तो सेकंड लेटर को हम भी सेकंड लास्ट बना देते हैं। यहाँ पर क्या हो, सॉरी एम हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों आई एल इधर आ जाएगा। अब देखा था एस आई एल एम ई। चलिए, अब आ गया मैथमेटिकल, तो सोचिए ये दोनों से 80 कैसे होगा, तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए 20, अब 20 गुना 4 कितना 80, तो 4 कैसे लाएं, तो ये दोनों का अंतर
जोगफल अंतर को गुना किया गया है, या कहिए कि जोगफल और अंतर को गुना किया गया है, तो जोगफल गुना अंतर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी कह सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर का यह डिफरेंस। तो 16 7 23 और 16 में से 7 9 23 गुना 9 260। तो 25 और 21 को जोड़िए, 25 और 21 को घटाइए, 16 गया है कि निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करिए, सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन, ये सब सिंबल है या नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन में, फिर आ गया आपको पजल। तो आइए, ये दोनों से 84 कैसे होगा, तो 12 गुना 7 84, 7 कहाँ से आ गया तो इसका आधा, 9 गुना 9 81, 9 कहाँ से आ गया तो इसका आधा, तो 11 गुना 8, अब यहाँ 8 है तो इसका ही आधा होता था, तो यहाँ क्या लिखना होगा, 16। बोला गया है कि कम से कम कितना स्ट्रेट लाइन खींचना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए अभी इस पर टिक नहीं लगा है, 13 14। अब इसमें ऐसा कोई लाइन नहीं दिख रहा है जहां पर हम लाइन नहीं बनाए हैं। कमला नीता से 50 मीटर साउथ वेस्ट में है, तो कमला किस से, नीता से, पहले लिखेगा नीता, और जब भी मतलब सीधा नहीं मुड़ना हो यहाँ प्लस का साइन दे दीजिएगा, इससे ज़्यादा आसान होता है। तो कमला नीता से 50 मीटर साउथ वेस्ट में, यही हो गया आपको साउथ वेस्ट, यहाँ पर कौन है, कमला। आगे पढ़ते हैं, रीता नीता से 50 मीटर दक्षिणपुरम में, तो साउथ ईस्ट इधर हो गया, यहाँ पर कौन है, रीत, यह भी कितना 50, तो यहाँ से यह भी 50 है और यह भी 50 है, तो ये दोनों एकदम सीधा होगा, ये एकदम सीधा होगा, ये कौन डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट। तो कमला के ईस्ट में रीता है और रीता के वेस्ट में कौन है, कमला, तो रीता कमला के लिहाज से, तो रीता के बारे में पूछा गया, तो रीता किधर है, ईस्ट में, तो आंसर हो गया ईस्ट। चलिए रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया, 42 में ऊपर से 23 है तो नीचे से, तो 23 घटाइए, एक और क्या करिए, जोड़िए। तो आइए 42 में से 23 घटाइएगा तो 9 करें 19, एक जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। कोई लड़की कूद नहीं सकती है, कुछ लड़कियां तैराक हैं, कोई लड़की कूद नहीं सकती। अब आइए, कुछ लड़कियां तैराक है, लड़कियां में कुछ लड़कियां क्या चीज है, तैराक, तो तैराक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है,
यानी तैराक का रिलेशन खुद से जुड़ भी सकता है ना भी जुड़ सकता है। तब पुरुष तैराक कूद सकते हैं, तो तैराक का रिलेशन खुद से है कि नहीं, ये तो क्लियर है नहीं। चलिए अगला बात, कुछ तैराक कूद सकते हैं, तैराक और कूद का रिलेशन क्लियर नहीं। अगला बात, आ गया आपका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में कैसे पलटते थे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू क्या चीज राइट, यानी इसको आपको इधर पलट दे, लेफ्ट वाला चीज राइट में, राइट वाला चीज लेफ्ट में, तो ये फिगर यहाँ पर आ जाए, तो यह ठीक है, यह गलती है, उल्टा है, यह ठीक है, यह ठीक। चलिए ये वाला फिगर इधर चला जाएगा, आपका ये भी ठीक है, ये तो गलती है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए, ये आपको यहाँ ठीक है, यहाँ गलती है, यहाँ ठीक, ये देखिए ऐसा है, यह ठीक है, और यहाँ ये तो उल्टा ना है, ये तो पहले ही गलती। तो आंसर हो गया आपका कितना नंबर, ये जो है इधर जाएगा लेकिन पलटेगा नहीं, पलटा हुआ था, ये दोनों पहले ही गलती है। अब ए 80 में ये देखिए अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है तो अंदर की ओर ही रहेगा, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। दिए गए महीने का 14वां दिन कौन सा दिन होगा, 14 तारीख को कौन दिन होगा, तो अंतिम दिन रविवार है, तो महीना के दिन का है आपको पता है, 29 का कि 30 का कि 31 का। चलिए महीना का चौथा शनिवार, पता है कि 25 तारीख को शनिवार है, तो 14 तारीख को तो निकल ही जाएगा, तो दूसरा से निकल जाएगा। चलिए 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 18, 3, 21। अब आइए आई का मान 9, तो 1 बढ़ा के 10, एल का मान 12, तो 1 बढ़ा के 13, ओ का मान 15, तो 1 बढ़ा के 16, तो आर का मान 18, तो यहाँ लिखाएगा 19, आयु का 21, तो यहाँ लिखाएगा क्या चीज 22। सभी लड़के लड़कियां हैं, पहला डायग्राम। अगला, सभी लड़कियां बंदर, तो बंदर और ऊपर। अब आइए सभी बंदर लड़के नहीं, बंदर का कुछ भाग लड़की है और बंदर का कुछ भाग लड़का है, सभी लड़के बंदर है तो हैं, सारा जो लड़का है वो किसके अंतर्गत है, बंदर के अंतर्गत, दूसरा आपका सही। चलिए फिर आ गया आपको, इसको कहते हैं एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, तो इससे कैसे लिखा गया है, तो ठीक उल्टा कर दिया गया है, एस के ये तो उल्टा लिख दिया जाए, जे सी ए जे, सॉरी के सी ए जे, के सी ए जे नहीं है, के सी ए जे नहीं है, के सी ए जे है, के सी ए जे है, जे के बाद पी, आंसर हो गया। चलिए इसमें आपको भिन्न आकृति का चयन करना है, कौन सबसे अलग है,
तो अब देखिए फिगर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यदि दोनों इक्वल है, यदि सब के सब इक्वल है तब आंसर हो जाएगा कौन नंबर, डी नंबर। और यदि बड़ा छोटा, यदि है बड़ा छोटा है तब एंगल देखा जाए, तभी एंगल हो गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तब आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि दोनों यदि इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन अन इक्वल है डी, और यदि ये बड़ा छोटा है किसी में तब आंसर हो जाएगा बी नंबर। बोला गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, तो जीरो सही सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक, तो एकदम इसमें यह प्रतीत हो रहा है, कह ही रहा है कि सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक। मतलब क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर कौन पढ़ने से मिल रहा है, तो पहला पढ़ने से पता चल रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, पूर्णांक प्राकृत संख्याओं से अलग होती है, तो इससे पता नहीं चला, आंसर हो गया एक। चलिए अगला, कथन पी क्यू आर के लिए कोड क्या है, कथन पी क्यू आर के लिए कोड क्या है। तो एबीसी को बीसीडी लिखा गया, एक तक वो बढ़ा के, यहाँ भी देखिए एक एक बढ़ा के, तो पी क्यू आर का कोड एक एक बढ़ा के लिख देंगे तो पहला से निकल रहा है, यहाँ भी देखिए एक एक बढ़ा के, यहाँ भी वो पी क्यू, पी क्यू आर बढ़ा के दूसरा से भी निकल रहा है, दोनों मिला के कि अलग अलग, दोनों से अलग अलग निकल रहा है, तो आइदर में हो जाएगा ए नंबर, या तो पहला से या दूसरा से। चलिए अब आ जाइए ग्रुप डी का क्वेश्चन, यहां से है, कहता है कि सब्जी के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भाग का है, तो प्रत्येक बराबर मतलब 20 डब्बा ना बराबर, उनमें से प्रत्येक बराबर भाग का है, तो पहला 10 डब्बा में प्रत्येक का एक तिहाई 10 है, तो इससे 10 डिब्बा का टोटल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ लिखा है उनमें से प्रत्येक बराबर भाग का है, तो प्रत्येक मतलब तो यहाँ तो 20 ना समझा जाएगा, लेकिन इसमें बोला है कि पहला 10 डब्बा में प्रत्येक डिब्बे का एक तिहाई इतना है, ये 10 डब्बा का टोटल निकलेगा तो 20 का भी तो टोटल निकल जाएगा, पहला से निकल जाएगा। अब कहता है कि 6 डब्बों का भार 4 डब्बों के कुल भार से अधिक है, लेकिन यहां पर देखिए पहला 10 डब्बा कह दिया है और फिर 6 4 10 डिब्बा का अलग दिया है, तब तो थोड़ा बना देते हैं, पहला 10 डब्बा में से प्रत्येक का एक तिहाई कितना है 10, तो 10 तिहाई 30, तो टोटल हो गया 30 × 10 = 300, ये 10 डिब्बा का निकला, इसलिए कि यहाँ पहला 10 डिब्बा कह दिया है। इसका बात सही मानेगा तो सीधे निकल जाएगा, 10 होगा 300 तो 20 होगा कितना 600, तो थोड़ा ही कन्फ्यूजन वाला दे दिया है, तो हम किसको सही माने। अच्छा दूसरा से आइए, 6 डिब्बे का भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 अधिक है, तो 6x = 4x + 40, एक्स का मान हो गया 20, तो ये 10x का मान हो जाएगा कितना 200, तो ऐसे आपको पहला से अलग निकल जाएगा दूसरा से अलग, यदि 10 गो का 300 तो 20 गो का 600, 10 गो का 200 तो 20 गो का 400,
लेकिन तब देख लेते हैं पहले ऑप्शन, कोई एक बात इसमें एरर लग रहा है या कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो दोनों से अलग अलग निकलेगा तो ऑप्शन वैसा देवे नहीं किया। तब मानिए दूसरा बात, तब आइए मतलब दोनों से यदि अलग अलग निकलेगा, या तो पहला से अलग या तो दूसरा से अलग, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये बात इसको लिखना नहीं चाहिए था कि उनमें से प्रत्येक का भार बराबर है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। तो इसको थोड़ा देख ली इग्नोर करते हैं, तब ठीक है। पहला 10 हो का कितना 300 और दूसरा 10 हो का 200, 300, 200, 500। तो 500 पता चला पहला से कि दोनों से, दोनों से, तो आंसर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज सही नहीं है, ट्रांसलेशन गलती हुआ होगा या कुछ और लिखा होगा। चलिए जैसे इससे यह हुआ वैसे इससे कौन होगा, तो इस साथ में था अलग अलग हो गया, साथ में तो अलग अलग हो जाएगा, तो आंसर हो गया। चलिए फिर इसका मिरर इमेज बताइए, लेफ्ट टू राइट, ये दोनों ब्लैक वाला आ जाएगा लेफ्ट में, आई सादा वाला चल जाएगा राइट में, तो आंसर हो गया एक नंबर। दूसरा कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है। चलिए अगला पर आइए, छात्र वन ने छात्र टू से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपका नोट्स चाहिए। मान ली क्लास में दो स्टूडेंट हैं, कोई आज क्लास नहीं आया, दूसरा से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपका नोट्स चाहिए। तो छात्र टू ने नोट्स तैयार कर लिए, ये बिल्कुल सही है। यदि उसके पास तैयार नहीं रहता तभी बात थोड़े बोला जाता, इसमें यह है कि उसके पास है इसलिए वो उससे मांगा है। उसके ये क्या है अवधारणा, पूर्व धारणा मतलब एजप्शन, मतलब क्या सोच करके यह बोल रहे हैं उसी को अवधारणा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आप 500 रुपया मांग रहे हैं, तो ये आपके मन में है ना कि मांगेंगे तो वो दे देगा, ये उसके पास है तब ना आप मांग रहे हैं, तो उसके पास नोट्स तैयार है तब ना मांगा गया। अगला छात्र वन उसकी समझ किसको सत्यापित करता है, करना चाहता है, कहता है कि पहला छात्र देखना चाहता है कि क्या ये किया, तो ये तो अलग की बात है, थोड़ा सा कथन से बाहर की बात है। चलिए अगले पे आइए, आ गया फिर, कोई गाय बिल्ली नहीं है, अलग अलग सभी बिल्ली की मूछें, तो सभी बिल्ली की मूछें, तो मूछ का रिलेशन इससे जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता है, तो दो गो बनाइएगा। चलिए तो कुछ गाय बिल्ली है, ये तो बिल्कुल ये गलत है, कुछ गाय की मूछें हैं, गाय का मूछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियर। चलिए जैसे पहला से दूसरा हुआ, चार चार फिगर का ये है ग्रुप है, जैसे इससे यह लिखा गया है उसी तरह यहाँ से यहाँ लिखना है। तो एक नंबरिंग कर दिया जाए, यहाँ से एक नंबरिंग कर देते हैं, ये देखिए ये हो गया चार नंबर, ये हो गया तीन नंबर, नंबरिंग थोड़ा ऐसे नहीं करिए, एक क्रम में होगा तो जरिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर से करते हैं, ये हो गया आपको कितना नंबर, इसको तो लास्ट में रखिएगा ही, चार कर दीजिए,
4312, इसको यहाँ सही कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर देते हैं, ये हो गया कौन वाइज, क्लॉक वाइज। अभी देखिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये भी आपको लिखा गया क्लॉक वाइज और ये भी आपको है क्लॉक, लेकिन एक खंड किसका के, पहले यहाँ से शुरू था, अब यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसका भी उसी तरह नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर रहेगा एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक तो हो गया। अब कैसा होगा उसके बाद में विचार करेंगे। चलिए, यहाँ पर होना चाहिए दो नंबर, दो नंबर मतलब यह वाला फिगर, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ ना, यहाँ है, ये भी गलती, यहाँ भी है, तो सी आर डी। अब आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर ये सही है, तीन नंबर, अब यही दोनों में ये है, प्लस दो गो होगा कि प्लस एक गो होगा, यहाँ देखिए दो गो प्लस से इसमें के गो प्लस हो गया था एक गो, तो फिर दो गो प्लस से एक गो प्लस हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर आ गया पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन, अजब समझ, सतत विकास के लिए घर में ऊर्जा की पूर्ति अनिवार्य है। घर में यदि आप विकास चाहते हैं तो ऊर्जा मतलब समझ बिजली का होना जरूरी है, तो घर में अत्यधिक चमत्कार चमकदार प्रकाश बल्ब के स्थान पर कॉम्पैक्ट, ये तो बिजली बचाने की बात हो रही है। अपने घर में चारों छायादार वृक्ष और पौधे लगाइए, ये तो और अलग की बात, दोनों के दोनों गलत। दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले वो सामान हो या ना, ये सब तो होता ही है, कुछ धातु लोहा है, कुछ लोहा भारी होता है, कुछ है, तो जब तक यहाँ पर ऑल या नो नहीं होता है, ये दोनों के बीच में रिलेशन नहीं जुड़ता है। आज कोरोलॉजिकल मेथड है वो पढ़िएगा, तो ये देखिए सभी में तो कुछ होवे नहीं करेगा, सभी से कुछ हो सकता है लेकिन कुछ से सभी थोड़े हो सकता है, सभी के बारे में जानते हैं तो कुछ के बारे में कह सकते हैं लेकिन कुछ के बारे में जानते हैं तो सभी के बारे में थोड़े कह सकते हैं, दोनों रॉन्ग, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं। चलिए, ये तो और आसान है, उसी में से खोज के लिख देना है, नहीं उसमें से खोज के नहीं लिखना है, इसलिए कि चार गो है, ये ज्यादा ना है, तो दूसरे तरह से सोचिए, तो P का पोजीशन 16, I का 9, P का 16, E का पोजीशन लिखा गया, तब बोला गया कि इसका लिखिएगा तो अंतिम अक्षर क्या होगा, अक्षर नहीं, अंतिम अक्षर नहीं, ये सब क्या चाहिए, नंबर, नंबर होना चाहिए, तो आया जाए तो ये अंतिम लिखिएगा, N का कितना 14, तो लास्ट में क्या बचेगा, चलिए फिर एजप्शन आ गया, ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है, इंग्लिश लिख दिया है, एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क, कहता है कि जो भी सिटी में घर है उसमें एक इकोलॉजिकल पार्क होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधा वाला समझे एक पार्क होना चाहिए, तो कहता है इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, सही है, यह एजप्शन है यानी धारणा, धारणा का मतलब क्या कि क्या सोच के ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे नगर पालिका वाला बोला है कि घर में एगो पार्क जरूर बनाइए, तो काहे के लिए कह रहा है ऐसा पार्क बनाने, इकोलॉजिकल मतलब पेड़ पौधा वाला एगो पार्क जरूर बनाइए, तो पेड़ पौधा लगाने की बात क्यों हो रही है, काहे सोच करके ऐसा कहा जा रहा है, तो ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है।
इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस द पोल्यूशन, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट को प्रमोट कर रहा है या समर्थन कर रहा है। चलिए, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता है। मतलब किसी को देखते हैं कोई हाई फाई में रहता है, लेकिन अंदर झांकी है तो ना, वैसा बात नहीं है जो बाहर वाली बात है। वही बात ही कह रहा है कि हर चमकता हुआ वस्तु सोना नहीं होता है। तो यह कहने से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सोच करके ऐसा कह रहा है? तो जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। क्या यह बात इसको समर्थन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, वही तो भी कह रहा है। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, यह दोनों बात इसका समर्थन कर रहा है, या ही दोनों का समर्थन कर रहा है। बोला गया है कि 2005 में शुक्रवार कौन कौन तिथि को पढ़ा था। क्वेश्चन हो गया आपका कैलेंडर का, तो कैलेंडर निकालने के लिए बताते थे, देख लिया जाए फिर से। 2005 में हम निकालते हैं, बात है कौन चीज़ का, मार्च का। तो 2000 का ऑड डे बोलिए, जीरो, पाँच साल में एक कम करके सोचते थे, जो कि अभी 2005 बीता नहीं है, तो चार। लीप ईयर निकालिए, चार साल में लीप ईयर के एगो, फिर हो गया जनवरी 31 का तीन, फरवरी 28 का जीरो, आ एक मार्च का निकालते हैं एक, अब बटा कितना, सात। अब सात से भाग दे के शेष निकालिए, चार एक पाँच तीन आठ एक नौ, शेष दो, दो का मतलब कौन दिन, मंगलवार। तो दो मार्च, सॉरी, एक मार्च को कौन सा दिन था, मंगलवार, एक तारीख को था मंगलवार। हम एक मार्च का निकाले इसलिए यहाँ पर वन लिखे। तो आइए, दो तारीख को बुधवार, तीन तारीख को बृहस्पतिवार थर्सडे, चार तारीख को फ्राइडे। तो पहला फ्राइडे के तारीख को पड़ेगा, चार तारीख, और चार किसी में है नहीं, अब सात दिन बाद वही दिन पड़ता है, तो चार सात ग्यारह, सात अठारह, सात पच्चीस। बोला गया है कथन, सभी पंखुड़ी फूल है, शॉर्टकट लिख देते हैं, ये हो गया पंखुड़ी, सभी पंखुड़ी फूल है और सभी फूल येल्लो। चलिए अगला, तो अब देखिए लिखा हुआ है कि सभी पंखुड़ी फूल है, सभी पंखुड़ी पीली है और सभी पीले फूल है। एक और दिया हुआ है, फिर से एक और, तो डायग्राम देखा जाए, हम दो ही वो देख के बना दिए। फिर से देखा जाए, सभी पंखुड़ी फूल है, ये हो गया फ्लावर। अब अगला बात पढ़ते हैं, सभी पंखुड़ी क्या चीज है, पीली है, तो पंखुड़ी इसको माने, तो इसके ऊपर रहेगा येल्लो। येल्लो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दो जगह। पी के ऊपर येल्लो को रखना है तो एफ के ऊपर भी तो हो सकता है। अब पढ़िए, सभी पीला क्या चीज़ है, फूल है। अब येल्लो जो है, सभी येल्लो क्या चीज़ है, फ्लावर है। तो अब जो है ऊपर वाला को नहीं रखना है, या तीसरा पढ़ने से पता चला, इसको क्या करना है, नहीं रखना। तो अब पढ़िए, सभी फूल पीले हैं, तो सभी फूल क्या चीज़ है, पीला है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सभी पीला फूल है, लेकिन कुछ फूल क्या चीज़ होगा पीला, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सभी पीला पंखुड़ी है, सभी पीला क्या चीज़ है, पंखुड़ी है, नहीं, पीला का कुछ पार्ट जो है पंखुड़ी है, सभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दोनों के दोनों क्या हो गया, गलत हो गया।
चलिए अब इसको देख के बताया जाए कि यह जो फिगर है या कौन ऑप्शन में हिडन है। तीनों फिगर कौन ऑप्शन में, एक दो ये तीन, तो एकदम क्लियर पता है बी नंबर में क्लियर दिख रहा है, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं। चलिए दोनों फिगर किस में हिडन है, ये भी क्लियर दिख रहा है बी नंबर में हिडन है, और ये वाला फिगर चलिए इसके सबसे नजदीक में या फिगर के सबसे नजदीक में कौन सा फिगर है, इसके सबसे नजदीक में कौन सा फिगर है, इसके जैसा एकदम कौन सा फिगर है, तो सब इसके जैसा ही है, यह भी उलट पुलट के इसके जैसा होगा, उलट पुलट के इसके जैसा, लेकिन देखिए एकदम इसके सीधा जैसा कौन है, ए नंबर जो है एकदम इसके सीधा जैसा, ए नंबर कहा जाए कि सी नंबर कहा जाए, ए नंबर कहा जाए सी नंबर कहा जाए, नहीं सी नंबर कहा जाए, इसलिए इसका लेंथ देखिए, यहाँ देखिए कटा हुआ, अब अंदर है कि नहीं हमको पता नहीं है, तो ये वाला लेंथ इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये लेंथ अलग है इसके जितना नहीं है, ये लेंथ इसके जैसा है, ये लेंथ भी नहीं, तो आंसर सी कही, ए मत कही सी कही, लेंथ पर डिपेंड करेगा। लास्ट क्वेश्चन बोला गया है कि दस सिन पश्चिम बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पहला नॉर्थ पहला ईस्ट, अब बोला गया है कि दस सिन यानी साउथ को क्या कहा गया है, साउथ वेस्ट कहा गया है, साउथ को क्या कहा गया है, साउथ वेस्ट कहा गया है, तो ये देखिए ये जो आपका साउथ है इसको साउथ वेस्ट कहा गया है, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट नया वाला, तो इसका अपोजिट हो गया ईस्ट, इसका अपोजिट हो गया, तो बोला गया नॉर्थ क्या होगा, यही ना आपका नॉर्थ है, किसके बीच में आया हुआ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच, तो आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। चलिए इसके सही रिलेशन को कौन दर्शाता है, तो घोड़ा बंदर बाघ सब तो अलग ही है, कोई सा रिलेटेड तो है नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन सीरीज का है, तीन से चार एक बढ़ा, चार से छ दो बढ़ा, छ से नौ तीन बढ़ा, तो अब चार बढ़ेगा, नौ और चार तेरह, ये आंसर, चलिए इसमें कौन अलग है, तो इसका ही उल्टा है, इसका ही उल्टा है, इसका ही उल्टा, ये पूरा पूरा उल्टा नहीं है, उल्टा होता तो ऐसा होता। चलिए फिर सीरीज का क्वेश्चन हो गया, पाँच सात ग्यारह सत्रह, तो पाँच से सात कितना बढ़ा, दो बढ़ा, सात से ग्यारह चार बढ़ा, ग्यारह से सत्रह छः बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा, आठ बढ़ेगा, सत्रह आठ पच्चीस, तो पच्चीस दो गो में, पच्चीस यहाँ भी है, पच्चीस यहाँ भी है, तो अब इसको अगले को देख लिया जाए, तो आई हो गया नौ, जे हो गया दस, एल हो गया बारह, ओ हो गया पंद्रह, तो एक बढ़ा, दो बढ़ा, तीन बढ़ा, फिर चार बढ़ेगा,
तो 15 4 19 एस होना चाहिए। कौन सर हो गया, इसमें एस है इसमें एस। तो अब समाप्त हो गया।